उस वजह से ना गाड़ी का शौक था तो इंटीरियर का मुझे ठीक लगा। BMW के अंदर है ना सीटें ना इलेक्ट्रिकल होती है, उसमें ना ये ना एयरबैग वगैरह आते हैं, उनका से है ना ओपन करना है। में एक भाटी साहब आए हमारे, इनको सिर्फ इंटीरियर का काम सीखना है। मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी पर्सनल नहीं है, जिसका जिस पे मन है ना वो करो ट्रेनिंग। चैलेंज करता हूँ आपको, इस लेवल से कोई ट्रेनिंग दे देना मैं अपने सेंटर में बंद कर दूंगा। इतनी गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ी यहाँ पर है, 3 गाड़ी ऊपर है, 3 गाड़ी नीचे है, 1 गाड़ी है, 1 गाड़ी 12 से 13 तो कार है, 50 तरह के इंजन रखे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारे मिला। पूरी BMW आपके सामने खोल के दिखाऊंगा। पूरी सीट को आगे और पीछे करना। वापस से आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। एक भाटी साहब आए हमारे, इनको सिर्फ इंटीरियर का काम सीखना है। तो अभी इंटीरियर के लिए कौन सी गाड़ी मिल रही है आपको? BMW। और एक मिलेगी स्विफ्ट और BMW। अभी ये BMW इनको देखना था कि जो मोस्टली जो ये रहते हैं ना अपना इंटीरियर वाले, जो सीट कवर लगाते हैं, स्टेयरिंग कवर लगाते हैं, तो पूरी इंटीरियर इनसे डिसमेंटलिंग करवाने वाले हैं, क्योंकि ये बाकी गाड़ियां बाकी कोर्सेज है वो चल रहे हैं। ये एसेंट पे एक बैच लग रहा है, स्विफ्ट का इंजन खोला पड़ा, देख लीजिए। पहले वो एसेंट खुली पड़ी थी, अभी खुल दी स्विफ्ट का इंजन, वो रखा आगे देखते हैं। ये देख सकते हो एसेंट पे वर्क चल रहा है, इंजन स्टार्ट हो गया था बट ये ब्रेक ऑयल स्टीयरिंग ऑयल क्या हो रहा है, क्या वर्क चल रहा है। उधर है 12-13 की एक इंजन का ये वर्क चल रहा था, इन्होंने कंप्लीट कर दिया। चलो दोबारा सर के पास चलते हैं। तो यहाँ पर बैच चल रहा है, पीछे बैच चल रहा है। तो अभी मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी पर्सनल नहीं है, जिसका जिस पे मन है ना वो करो ट्रेनिंग। काम है सिखाना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को लगाते देखो, BMW अपने लिए लाए हैं, कोई हाथ नहीं लगाने देंगे। स्टूडेंट से पूरी गाड़ी इस वीडियो में आपसे खुलवाने वाला हूँ, एक एक पूरी गाड़ी इंटीरियर। क्योंकि तो एक स्टूडेंट आया, अकेला स्टूडेंट ऐसे नहीं, 5 लोग का बैच है, वो अकेला स्टूडेंट है और अकेला स्टूडेंट खोलने वाला, क्या खोलेगा दिखा दो। अब कोई वीडियो में ये बात बोलते ना, ये स्क्रैप है, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, बहुत महंगी परचेस की है। XUV के बहुत जो नए व्यूअर है ना, वो XUV700 खड़ी है, उसके भी मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, सेंसर लगवा के, स्कैनर लगवा के। XUV700 है, ये है डिजायर, आपने सब गाड़ी आप वीडियोस में हमारे यूट्यूब चैनल खुला देख सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, इस लेवल से कोई ट्रेनिंग दे देना मैं अपने सेंटर में बंद कर दूंगा। इतनी गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ी यहाँ पर है, 3 गाड़ी ऊपर है, 3 गाड़ी नीचे है, 1 गाड़ी है, 1 गाड़ी 12 से 13 तो कार है, 50 तरह के इंजन रखे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारे मिला के। आज का वीडियो, जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे इंजन का काम नहीं सीखना, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इसका सीखना है इंटीरियर का, जैसे इंटीरियर में जो सीट कवर कैसे लगता है, स्पीकर कैसे चेंज होते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे होता है, तो आज इनको करवाऊंगा और दिखाएंगे कैसे सीटिंग खुलेंगी। आप देख लीजिए सीट कैसे खुलेंगी, स्टूडेंट ही खोलेंगे, मैं नहीं खोल रहा, कोई ट्रेनर नहीं खोल रहा। टूटेगा, खराब होगा, नया ला के दूंगा इनको, लेकिन ट्रेनिंग जरूर दूंगा उनको पूरी परफेक्ट। रियर में जो AC वेंट वगैरह रहते हैं इनको खोलना स्टार्ट कर दिया है।
अब ये पूरी BMW आपके सामने खोल के दिखाऊंगा, फिट करके बताऊंगा, सिर्फ S20 करेंगे। ये लेवल की ट्रेनिंग करता हूँ, आपको क्या सीखना है, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, रॉकेट सीखना है, एरोप्लेन सीखना है, ट्रक सीखना है, बस सीखनी है, क्या सीखना है आपको, आ जाओ वो सिखाऊंगा आपको मैं। फोकस कब की करते हैं वीडियो पे। हितेश का एक बार पूछ लीजिए, हितेश एक बार आ जाओ, इनका क्या मन था और क्या करने आया था पूछ लो, इनको इंजन में ज्यादा नॉलेज नहीं जाना, इनको इसी में जाना था, तो पूछ लीजिए क्या इनका ट्रेनिंग कौन सी है, क्या करने आए थे। सर मैं ना कार सर्विस और उसके लिए आया था, और है इंटीरियर मॉडिफिकेशन, तो सर से बात की तो सर ने वो भी है ना रेंज सर्विस मेरे लिए। अच्छा, तो आपने इंटीरियर करना, आपको इंजन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटीरियर करना बस, तो आपने सर को बोला BMW के लिए? नहीं सर, तो सर ने खुद ने बोला कर सकते हो आप, और सर ने बोला आप खुद करोगे मतलब पूरा? हाँ पूरी हमको ही करनी है। चलो हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, आप करिए, हम भी देखते हैं कैसे। ना सर ने अपनी ना पर्सनल गाड़ी दे दी है ना, इसके ऊपर आप लगो। वो तो स्टूडेंट्स लिए तो हम बोलते ही है सब कुछ, ये पर्सनल है, मान लिया कुछ भी नहीं, सब कुछ स्टूडेंट्स का ही है। चलो आप सीट कवर चेंज करिए, मतलब जो भी कर रहे हो इंटीरियर, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं वीडियो के अंदर। जी, चलो ठीक है। जहाँ टॉर्क लगाना हो ना ज्यादा, तो वहाँ इस तरीके से ट्यूब लगता है, तिरछा मत लगाओ, तुम ऐसे लगाओ। हाँ भी ले रहा है, सीट निकलवाओ, एक मिनट हाथ लगवा दे, नहीं स्क्रैच वगैरह नहीं आए। अरे ये लॉक ऐसे निकलता है, अभी तो अपन ने ज़्यादा प्रेशर से डाल दिया ना इसको, तो निकलेगा टूट जाएगा ये वहाँ। अब इसको अपन ऐसे ही इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, ये लॉक स्टार वाली है ना, ये लगी इसमें, ये बड़ा है।
उधर दोगे सर को। पीछे कुछ नहीं है, पीछे की तरफ फोन कर देना। कौन है? पहले वाली गाड़ी देख सकते हो, इस पे भी वर्क चल रहा है। थोड़ा आगे पीछे करूं। हेलो, हाँ बताओ। मैं आ रहा हूँ अभी 5:30 तक, 2 से 6। ठीक आ जा। क्यों, क्या हुआ? गेट लगा तो उसको बताना पड़ेगा। मैंने वही मैंने बैग लगा रखी है। मैंने बताया सामने प्रिंस वाला जानता है वो। ये देख सकते हो ट्रिप की पहले प्लानिंग हो रही है। अभिनेश सर क्या लिख रहे थे तो देखते हैं अपन। 4 फरवरी भानगढ़ ट्रिप, बस स्टार्ट फ्रॉम 8 AM, सेंटर क्लोज टुडे। तो मतलब एक ट्रिप आने वाली है बाबा वालू की भानगढ़ की, उसका अलग वीडियो आएगा, वो भी देखना आप। चलो ये देख लेते हैं। नट और बोल्ट दोनों होगा, पीछे देख लो चाहे क्या, उस साइड देख लो। देख सकते हो आप पूरी पूरी BMW की सीटें सब कुछ निकाल चुके हैं।
ये देख सकते हो पूरा इंटीरियर का वक्त चल रहा है अभी, जैसे मैंने आपको बताया है पूरा इंटीरियर अभी देखना आप क्या कलर है इसका, दोबारा कलर चेंज हो जाएगा, इसकी मैटिंग जो भी होगी वो दिखाएंगे आपको। एक मोटर है वो पीठ को आगे पीछे करने के लिए, और ये अंदर जो जा रही है ये एयर बैग का है। ये देखो अपन तो बस सीट पे बैठ जाते हैं, ऊपर से नीट एंड क्लीन लगती है, बट इसके नीचे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सीट के। सर ये किस किस चीज के सिलेंडर लगे हुए, मतलब ये और ये वाला? ये वाली जो मोटर है ये इस पूरी सीट को आगे और पीछे लेके जाएगी। ठीक है जी। ये जो मोटर है ये हाइट को एडजस्ट करती है, किसी की यदि हाइट ज़्यादा है तो रूफ टॉप से सर टकराता है तो उसको पूरी सीट को ऊपर और नीचे करेगी। ओके सर। खाली इस वाले पार्ट को, पूरी सीट को ऊपर और नीचे करना। ये वाली मोटर पूरी सीट को आगे और पीछे करना। और एक ये मोटर लगी हुई है, ये मोटर क्या करेगी इसको अपना बैकरेस्ट जो है इसको आगे पीछे करना। ओके थैंक यू सर फॉर इन्फॉर्मेशन। ये वाली ये मसाज की है, सीट मसाज की। अच्छा सर, इसमें सीट मसाज वाले ऑप्शन भी है क्या सर? हाँ, और इधर से ये जो वायर जा रहा है अंदर ये एयर बैग का वायर है, सीट के अंदर इसमें एयर बैग है, ये जो वायर सीट के अंदर जा रहा है। यहाँ लोगो भी लगा होगा शायद एयर बैग का। हाँ जी सर, लग रहा है एयर बैग, आप देख सकते हो। ये BMW का गेट डोर कंप्लीट किया जाए, ऊपर उठा के बैठा नहीं पड़े। हाँ रुक जा, बाद एक तो लंद है दुनिया बैठे तो खड़ा है यार। जैसे कि आप देख रहे हो गाड़ी के अंदर सीट्स लग चुकी है सारी की सारी। अब आपने पहले वीडियो देखा था, उसके अंदर इंटीरियर कुछ अलग था, और अब आप इंटरफेस देख सकते हो। एकदम लग्जरी प्रीमियम फील आ रहा है। पहले आपने देखा होगा एक ग्रे कलर के अंदर से इंटीरियर था, पूरा ब्राउन कलर का, वुड ब्राउन का इंटीरियर कर दिया स्टूडेंट ने। आप देख सकते हो वही सेम कलर की मीटिंग है, सेम सीट कवर से। एक अच्छी फीलिंग्स के साथ, जैसे कि आपने इतनी देर हमारी वीडियो में देखते रहे कि गाड़ी अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो ये अपनी BMW थी, इसके अंदर इंटीरियर का वर्क चल रहा था। आप पूरा पहले वर्क देखो, पूरा वर्क हो चुका गाड़ी का, जो भी अपन को इंटीरियर का वर्क करना था। पहले भी आपने वीडियो देखी होगी, पहले व्हाइट कलर का कुछ इंटीरियर था, अभी आपको ये ब्राउन वुड में इंटीरियर दिख रहा होगा।
तो अपन जो अपने स्टूडेंट इसके साथ थे, ये बाटी है, इनसे बात करते हैं। हेलो बाटी जी। सर कहाँ से हो आप? पाली राजस्थान। पाली राजस्थान से? जी सर। तो आपको कितने दिन हो गए ट्रेनिंग के? लगभग 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। तो पहले तो आप ये बताइए, इससे पहले आप क्या करते थे? स्टडी चल रही थी सर। स्टडी चल रही थी, फिर आपको इंटीरियर में आने की क्या लगा, मतलब यानी कि मैं इंटीरियर में आऊँ नहीं आऊँ? बस सर ऐसे ना, गाड़ी का शौक था तो इंटीरियर का मुझे ठीक लगा। अच्छा चलो, ये अच्छी बात लगी। तो फिर आपको बाबू ऑटोमोबाइल के बारे में कैसे पता लगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन पता लगा। तो आपको एक ट्रस्ट कैसे हुआ कि मैं यहाँ आऊँ या नहीं आऊँ? एक होता है ना, मतलब आप पाली राजस्थान से थे, जयपुर आए, तो एक ट्रस्ट तो करना ही होता है ना इतनी दूर आने के लिए, तो वो ट्रस्ट कैसे हुआ? निमेश सर से बात हुई थी तो उन्होंने सारी डिटेल लेना फ़ोन पर ही बता दी थी, फिर यहाँ पर विजिट किया तब मुझे लगा ये ठीक है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में है ना बाबा ऑटोमोबाइल जो सेंटर है वो ना फोर व्हीलर की ना ट्रेनिंग देता है, बाकी कोई नहीं देता। अच्छा जी, चलो आप ये बताइए, तो आपने क्या क्या करा मतलब 20-25 दिन के अंदर? पहले तो इसका इंटीरियर किया और गाड़ी की है ना बेसिक ना डिटेल की वो जानकारी। तो इंटीरियर में क्या क्या करा आपने? इंटीरियर में इसके हमने ना सीट कवर लगाए, इसके ना मैट लगाए। तो इससे आपको क्या क्या सीखने को मिला मतलब इंटीरियर करने से? सीटें है ना कैसे खुलती है। अच्छा। ऐसे है ना BMW के अंदर है ना सीटें ना इलेक्ट्रिकल होती है, इसमें ना ये ना एयरबैग वगैरह आते हैं, उनका से है ना ओपन करना है। और डोर पैनल वैनल ये भी कुछ करा, ये नहीं करा? हाँ जी, ये भी खुले थे। तो कैसा रहा मतलब आपका ऑल ईयर एक्सपीरियंस, मतलब कैसे करके लगा, मतलब जल्दबाजी में कर दिया या आराम से करा? कैसे आराम से किया था सर ने बोला था, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करना और आराम से सीखना। तो अब क्या चल रहा है आपका बाटी? अभी चल रहा है हमारे है ना एसेंट का चल रहा है। चलो आपके एसेंट के पास चलते, चलिए आप। ये बाटी की BMW हो चुकी थी इंटीरियर, अब देखते हैं एसेंट में क्या कर रहे हैं। ये एक बैच ये है, ये चार बच्चों का बैच है, ये एसेंट कर रहे हैं। तो बाटी एसेंट में क्या कर रहे हो अभी आप? इसका है ना इंजन हमें करना है। अच्छा, तो इंजन पूरा खोलोगे फिर पैक करोगे फिर चलाओगे इसको? ओके चलो, ये वीडियो जो इंटीरियर वाला था काफ़ी लंबा हो चुका है, इसी को यहीं एंड करते हैं।